बहुत ही टेस्टी तीखी चटपटी आलू मेथी की सब्जी। फ्रेंड्स, मेथी की सब्जी खाना बहुत ही फायदेमंद होता है सर्दियों में, और ख़ास तौर पे जिनको शुगर और डायबिटीज़ है उनके लिए तो और भी काफ़ी फायदेमंद होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मेथी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मेथी लिया है और इसको अच्छे से धोकर बारीक कट कर लिया है। मेथी में डालने के लिए मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ का आलू लिया है और इसको इस तरह से क्यूब में कट कर लेंगे। एक आलू मैंने 4 पीस कर लिया है। अगर आप आलू नहीं खाते हैं तो बिना आलू का भी बना सकते हैं। आलू को अच्छे से धो लिया है, तो चलते हैं हम गैस की तरफ। कढ़ाई भी गर्म हो गया है, अब इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। आप चाहे तो रिफाइन तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में मेथी की सब्ज़ी बहुत ही अच्छा लगता है। तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और कूटा हुआ लहसुन डाल दे रही हूँ। आप चाहते हो अगर लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो इसकी भी कर सकते हैं। लहसुन भी अच्छे से भून गया है, तो अब इसमें हम कटा हुआ आलू डालेंगे और सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, आलू को हमें कुछ देर तक इसी तरह से पकाना है जब तक कि आलू अच्छे से हल्का ब्राउन नहीं हो जाता है, और इस तरह से भूनते भूनते आलू भी गल जाएगा। आलू को भूनते हुए मुझे कुछ समय हो गया है तो इसका कलर भी चेंज होने लगा है, तो अब इसमें मैं बारीक कटा हुआ प्याज डाल दे रही हूँ। आलू को भूनना था इसलिए मैंने प्याज पहले नहीं डाला है, और इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिला लेंगे और इसी तरह से कुछ देर तक और भूनेंगे, जिससे कि आलू भी अच्छे से भून जाएगा और प्याज भी भून जाएगा। अब इसे हम कुछ देर के लिए ढककर पकाएंगे जिससे कि आलू भी पक जाए। फ्रेंड, जो शुगर पेशेंट होते हैं उन्हें मेथी की सब्ज़ी बहुत ही फायदेमंद होता है, और उनको आलू खाने से डॉक्टर मना भी करते हैं, तो उनको मेथी की सब्ज़ी खिलाने के लिए आप उसमें बेसन डाल दीजिए 2 चम्मच। बेसन को आप पहले ही डालकर भून लें, जिससे कि आपकी मेथी की सब्जी कड़वा भी नहीं लगेगा और अच्छे से खा भी सकते हैं। तो आलू में भून गया है, तो अब इसमें हम 2 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर को मिला लेंगे, अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। 1/4 धनिया पाउडर डाल देंगे और 1/4 जीरा पाउडर डाल देंगे। सब्जी को स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पर मैं कुटा हुआ लाल मिर्ची डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो हरी मिर्च की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। तो सभी को मैंने अच्छे से मिला लिया है, तो अब हम इसमें मेथी डाल देंगे और मेथी को भी अच्छे से मिला लेंगे। मेथी को अच्छे से मिला लिया है सब्जियों में, अब इसे हम कुछ देर के लिए ढककर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि मेथी अच्छे से पक जाए। सब्जी को मैंने 1-2 बार चला लिया था, तो मेथी भी अच्छे से गल गया है, क्योंकि मेथी को गलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। 1/4 नमक डाल देंगे। मेथी डालने के बाद नमक कम हो जाता है उसके कड़वापन की वजह से, और 1/4 गरम मसाला डाल देंगे। और सब्जी को टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे मैं 1/2 नींबू का रस डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, और सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी आलू मेथी की सब्जी बनके तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। तो अब इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये हमारे तीखी चटपटी आलू मेथी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप इसे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की सिंपल मेथी आलू की सब्जी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि कैसे लगे मेरी आज की रेसिपी। और पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो साइड में घंटी है उसको प्रेस करके ऑल कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी तरह से चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।